हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरागिन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि जो फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे, हम उनको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये कई कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, और उस बीच में अगर आपके फ़ोन पे बार बार फेसबुक की ओर से नोटिफिकेशन आता है, जैसे अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपका कोई पोस्ट लाइक कर दिया है या फिर आपके जो ग्रुप आपने ज्वाइन करें उसमें कोई एक्टिविटी हो गई है या फिर आपके क्लोज फ्रेंड ने कोई एक्टिविटी की है, तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पर आ जाते हैं और फेसबुक टाइम टाइम पर इनको हमारे मोबाइल फ़ोन पर भेजते रहता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे होते हैं उससे हम छोड़ के हम फेसबुक में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा इंपॉर्टेंट काम जो है वो छूट जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम उन नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो जो नोटिफिकेशन हम अपने मोबाइल फ़ोन पे देखना चाहते हैं, हम उन्हीं नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पे अलाउ करेंगे, बाकी नोटिफिकेशन को हम ब्लॉक कर देंगे। मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर में भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को मोबाइल फ़ोन पर भी बताऊंगा कि आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो क्लास का देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर से अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रायंगल का आइकन मिलता है। आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपने सेटिंग्स में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नोटिफिकेशन का आइकन मिलता है। आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास नोटिफिकेशन की सेटिंग आपके पास अवेलेबल होती है और यहाँ पर से आप अपनी नोटिफिकेशन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑन फेसबुक आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से एडिट में क्लिक करना होगा या फिर आपको यहीं कहीं पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर से एडिट में क्लिक कर देता हूँ और जैसे हम यहाँ पर से एडिट में क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ही देखिए ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर कोई भी एक्टिविटी फेसबुक आपके फेसबुक अकाउंट में होती है जो आप जिसमें आप इन्वॉल्व हैं तो उसके नोटिफिकेशन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, मतलब वो नोटिफिकेशन तो आपको आएंगे ही आएंगे, आप उन नोटिफिकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो है आपके पास बर्थडे का। तो जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग होंगे अगर उनका कोई बर्थडे आता है तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको आएंगे और अगर आप यहाँ पर से इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में रखा है और अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं फेसबुक में तो वो नोटिफिकेशन भी आपके पास आएंगे। तो अगर आप इनको भी बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इनको भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई टैग करता है फेसबुक में और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के नोटिफिकेशन आए जो आपके फ्रेंड हैं तो आप यहाँ पर से उनको फ्रेंड कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास और भी नोटिफिकेशन आते हैं, कोई ग्रुप की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर से भी आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर से इनको भी बंद करना चाहते हैं तो इनको भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऐप्स रिक्वेस्ट एंड एक्टिविटी यहाँ पर से एक और ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पर से इनको भी बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर से इनको भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइव वीडियो अगर कोई फेसबुक में चल रहा है तो अगर आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ना आए तो आप यहाँ पर से इसको भी बंद कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं इसको आए तो आप यहाँ पर से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ईमेल का ऑप्शन होता है, चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट ईमेल आए तो आप यहाँ पर से इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास मोबाइल का ऑप्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर से मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमसे बोल रहा है कि जो भी नोटिफिकेशन हम ऑफ करना चाहते हैं वो हम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मोबाइल फोन पर लेकर चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल फोन पर आ गया हूँ और यहाँ पर से मैं फेसबुक को लॉन्च कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर से फेसबुक को लॉन्च कर दिया, न्यूज़ फीड दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नोटिफिकेशन बंद करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास थ्री लाइंस होती हैं, आपने इसमें क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे को स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है अकाउंट सेटिंग्स का, तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर से अकाउंट सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है नोटिफिकेशंस का, तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, वो ऑप्शन आ जाते हैं जिससे आप नोटिफिकेशन को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप आसानी से बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि व्हाट नोटिफिकेशन यू गेट, और यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर से बर्थडे के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर ग्रुप पोस्ट को करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कोई एप्लीकेशन से आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं आप उनको बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से उनको भी बंद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप्स में क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए जितनी भी ऐप मैंने फेसबुक में ज्वाइन कर रखी होंगी वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो जिस भी ऐप से अगर आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए जो राइट का साइन बना है आपने इसको चेक करना होगा, मतलब इसमें क्लिक करना होगा, और जैसे आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो ऐसे करके आपको जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो भी आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, आप उनको आसानी से यहाँ पर से बंद कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आप उनको रोक सकते हैं और अपना जो काम है इंपॉर्टेंट उसको आप निपटा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।